धनवान जवान अधिकारी। एक दिन एक धनी जवान अधिकारी ने यीशु के जवर आए के ओको पूछी, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पान के गुना मोको का करे पाई जे? यीशु ने ओके से कहिस, तू मोको साजरो काय के गुना कहतस? सिर्फ एकच साजरो है और हुच परमेश्वर आए। पर अगर तू अनंत जीवन पानो चाहतस तो परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर। मोको कौन कौन ती आज्ञा ना उनको पालन करन की जरूरत है? उन्हें पूछिस तो यीशु ने उत्तर देइस, हत्या नी करने, बुरी लच्छन नी करने, चोरी नी करने, झूठ नी बोलने, अपने माए बाप को आदर करने और अपने पड़ोसी से अपने सार को प्यार करने। पर हु जवान मानुष ने कहिस, मैं अपने बचपन से ही सब पाई आज्ञा नाउन को पालन कर तो आयम हम। मोको हमेशा के गुना जिंदो रहन को अब भी का करन की जरूरत है? यीशु ने ओके की न देखिस और ओके से प्यार करिस। तब यीशु ने जवाब देइस, अगर तू सिद्ध होनो चाहतस तो जाए के अपनो सब कई बेच दे और हु धन गरीब लोग ना उनको बांट दे और तो को स्वर्ग में धन मिले, तब आए के मोरे पीछे हो ले। जो यीशु ने कहिस जब वो जवान मानुष ने सुनिस तो हु बहुत उदास भय गईस, काया कि हु बहुत धनी होतीस और हु अपने सपाई धन को बांटनो नी चाहत होतीस। हु पलट के यीशु के जवर से चलो गई। तब यीशु ने अपने चेला ना उनसे कहिस, परमेश्वर के राज्य में धनी लोग ना उनको जानो बहुत कठिन है। हाँ, एक धनी मानुष के परमेश्वर के राज्य में जान की तुलना में कोई ऊंट को सुई के नाका में से होय के निकल जानो सरल है। जो यीशु ने कहिस जब चेला ना उन्हें सुनिन तो ही चकित होती। उनने कहिन, अगर असो है तो परमेश्वर कौन को बचाए? यीशु ने चेला ना उनके किना देखिस और कहिस, लोग ना उनके गुना खुद को उद्धार करनो बहुत कठिन है, पर परमेश्वर के गुना कुछ भी करनो कठिन निया। पतरस ने यीशु से कहिस, हम चेला ना उन अपनो सप्पाई कई छोड़ के तोरे पीछे हो गए नहान तो हमारो इनाम का होए? यीशु ने जवाब देस, हर एक जन जेने मोरे कारण अपनो घर, भाऊ बहिन, माए बाप, टूरा नाउन या धन संपत्ति को छोड़ीस है, हु ओके से सौ गुना ज्यादा पाए और अनंत जीवन को भी पाए पर बहुत से लोग जो पहले हथ ही पीछे होए और बहुत से जो लोग पीछे हथ ही सामूर होए।